आई एम सनी कपूर। दोस्तों आज हमारे साथ हैं बॉलीवुड के बहुत बेहतरीन कलाकार किशन भान। नमस्कार। तो किशन भान जी की बॉलीवुड में उन कलाकारों में गिनती होती है जो एक्टिंग को अच्छी तरह समझते हैं, जो एक्टिंग की बारीकियों को अच्छी तरह जानते हैं। नए कलाकार जो मुंबई आके एक्टर बनना चाहते हैं, किशन भान जी के अनुभव से बहुत कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि किशन भान जी एक्टिंग के बारे में एक किताब है, एक स्कूल है। तो दोस्तों आइए इसी सिलसिले में किशन भान जी से कुछ सवाल करते हैं और कुछ सीखते हैं। किशन भान जी, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि फिल्म एक्टिंग और थिएटर एक्टिंग में क्या फ़र्क होता है। जब हम लोग फिल्म की एक्टिंग करते हैं तो हमारे सामने बहुत सारी बंदिशें आ जाती हैं, और थिएटर की जब हम लोग एक्टिंग करते हैं तो काफ़ी आज़ादी होती है, डायलॉग डिलीवरी में भी बहुत फ़र्क आ जाता है। फिल्म के टाइम पे हमें कैमरा टेक्निक को संभालना पड़ता है, टेक्निकल चीज़ों को देखना पड़ता है, छोटे छोटे शॉट लिए जाते हैं, कभी इधर देख लीजिए, इतना बोल दीजिए, इतना बोल दीजिए, तो उस चीज़ को कैसे मेंटेन किया जाता है थिएटर में, जबकि ये सब कुछ नहीं होता। तो थिएटर एक्टिंग और फिल्म एक्टिंग में क्या फ़र्क है? सबसे पहले तो मैं ये आपको क्लियर कर दूँ कि मैं कोई एक्टिंग की किताब नहीं हूँ, मैं सर एक छोटा सा एक्टर हूँ। हाँ ये ज़रूर है कि मैंने कई साल थिएटर को दिए हैं, मैं कई सालों से थिएटर से जुड़ा हूँ, और मैंने, मुझे लगता है कि देश के, हमारे इंडिया के बहुत बड़े थिएटर के डायरेक्टर्स के साथ काम किया है। खैर, आपका प्रश्न है कि थिएटर एक्टिंग और सिनेमा की एक्टिंग या कैमरे की एक्टिंग में क्या अंतर है। तो मैं आपको ये बता दूं कि देखिए, ये भी मेरी पर्सनल राय है कि थिएटर की जो एक्टिंग है, थिएटर के स्टेज पे जो हम एक्टिंग करते हैं वो आसान है, और जो कैमरे के सामने जो एक्टिंग है वो बहुत मुश्किल है। थिएटर में हम प्रॉपर रिहर्सल करते हैं, 1 महीना 2 महीना 3 महीना प्रॉपर तैयारी के साथ हम स्टेज पे जाते हैं। हाँ ये भी सच है कि स्टेज पे कोई रिटेक नहीं होता है, लेकिन जब हम 1 2 महीने 3 महीने जब हम प्रैक्टिस करते हैं, रिहर्सल करते हैं, तो उसके बाद ऐसे चांसेस नहीं होते हैं कि हम रिटेक करें। लेकिन कैमरे के सामने एक्टिंग करना बहुत मुश्किल है। अब देखिए, जैसे आपका एक क्लोज शॉट लगा हुआ है और आप बिल्कुल अपने हाथ भी यूज़ नहीं कर सकते हैं, अपने आप लाउड एक्सप्रेशन नहीं दे सकते हैं, और आपको उसी दायरे में, उसी क्लोज में आपको एक्टिंग करनी है, और वो बिलीवेबल लगना चाहिए, सच लगना चाहिए, वो बहुत मुश्किल है। और मेरे हिसाब से जो एक्टिंग है वो कॉन्फिडेंस है। जो जितना कॉन्फिडेंट होगा वो उतना ही अच्छा एक्टर होगा। और वो कॉन्फिडेंस आपको कहाँ से आएगा? वो कॉन्फिडेंस आपको आएगा किसी इंस्टीट्यूट से, थिएटर से। जब आप किसी थिएटर से, किसी इंस्टीट्यूट से पढ़ाई करके निकलते हैं, तो आपको, आपके सबकॉन्शियस में कहीं ना कहीं ये बैठ जाता है कि आप पढ़े लिखे हैं, आपने एक्टिंग की पढ़ाई की है, तो आप डरे नहीं होते, आप कॉन्फिडेंट होते हैं। जैसे उदाहरण मैं आपको देता हूं, आपके घर में कोई स्विच बोर्ड खराब हो गया, आप थोड़ा बहुत उसे जानते हैं कैसे ठीक करना है, लेकिन आप डरे होते हैं कहीं करंट ना लग जाए, तो आप चप्पल का यूज करेंगे, प्लास्टिक का यूज करेंगे। लेकिन वही एक इलेक्ट्रिशियन जब उस स्विच बोर्ड को ठीक करता है, वो बिल्कुल डरा नहीं होता है, वो किसी भी तार को टच करता है, छूता है, क्योंकि उस, वो अपने काम को जानता है। तो सेम यही एक्टिंग पे भी अप्लाई होता है। जब आप अपनी एक्टिंग को, अपने क्राफ्ट को जानते हैं, तो आप कॉन्फिडेंट होते हैं, तो आपकी एक्टिंग भी अच्छी होगी। जब आप डरे होंगे, कहीं ना कहीं आपकी एक्टिंग में वो झूठ नजर जरूर आएगा। तो इसके लिए मुझे लगता है कि हमें ट्रेनिंग भी हमें ज़रूर करना चाहिए। देखिए, बहुत सारे लोगों का कहना है कि हमारे बहुत सारे एक्टर हुए हैं, जैसे धर्मेंद्र हुए हैं, दिलीप कुमार हुए हैं, बहुत सारे लोग हुए हैं जिन्होंने कोई थिएटर नहीं किया था, कोई इंस्टीट्यूट से नहीं थे वो लोग, लेकिन तब का समय और आज का ज़माना बहुत बदल चुका है। तब डायरेक्टर्स के पास, प्रोड्यूसरों के पास बहुत टाइम हुआ करता था,
तब हर डायरेक्टर उस एक एक्टर पे काम करता था, लेकिन आज आज ऐसा नहीं है। आज हमारी इंडस्ट्री पूरी तरह से कमर्शियल हो चुकी है। एक एक्टर, नया एक्टर खासकर, दो चार बार रिटेक करता है तो उसे दूसरी बार नहीं बुलाते हैं। तो इसके लिए आपको हेल्प करता है थिएटर या कोई इंस्टीट्यूट, ट्रेनिंग। वो ट्रेनिंग आपको बहुत हेल्प करती है। तो मुझे लगता है कि जो भी इस लाइन में आना चाहता है उसे प्रॉपर तैयारी के साथ आना चाहिए। ऐसे नहीं कि आईने में, शीशे में अपनी अपने आप को देख लिया या अपने घर में डायलॉग बोल लिए तो समझ लिया कि मैं एक्टर बन सकता हूँ। ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और देखिए, डायलॉग बोलना ही एक्टिंग नहीं है। डायलॉग के साथ साथ बहुत कुछ आना चाहिए। डायलॉग तो मुझे लगता है कोई बोल सकता है। आप एक पान वाले को, किसी को भी आप एक लाइन, दो चार लाइनें दे दो, उसको आप प्रैक्टिस कराओ, वो लाइनें वो भी बोल लेगा, लेकिन वो कॉन्फिडेंस नहीं ला सकता है। वो प्रॉपर वो भाव, वो इमोशन, वो एक्सप्रेशन नहीं ला सकता है। वही ला सकता है जिससे जिसने इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग की हो, वही एक अच्छा एक्टर बन सकता है। थैंक यू किशन भान जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, और ये जो जानकारी है ये नए कलाकारों के बहुत काम आएगी। तो दोस्तों, किशन भान जी ने जो जानकारी दी है, अगर आप इन्हें अपनी गांठ बांध लें तो आपको एक्टर बनने में, फिल्म एक्टर बनने में बहुत आसानी होगी। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे तो किशन भान जी से और भी सवालों पर बातचीत की जाएगी और भी एक्टिंग के बारे में जाना जाएगा। तो तब तक के लिए बाय।